हेलो गाइस, ट्रेंडिंग ट्रेंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, पहला सवाल, फोर रूट ओवर ऑफ 4.9729। देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये सोल्यूशन आप देख लो पहले। यदि आपको समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, इसकी मैं अलग से एक कर दूंगा। देखो, टू 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 जा फोर, फोर में से फोर गया जीरो, तो नीचे कितना आएगा, 9.7 आएगा। दशमलव के बाद यदि आपका चार नंबर है तो दो दो कर देना, पहले वन दूसरे में दो दो कर देना। देखो यहाँ पे दशमलव के बाद चार ही संख्या है तो हम दो दो पर करेंगे। देखो 97 यहाँ पे दो दो कितना हुआ, चार, तो 242 जा कितना होगा, 84, तो माइनस करने से कितना आया, 13, और नीचे क्या आया, 29। 42 प्लस 2 कितना हुआ, 44, तो जब हम 43 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, 13.29 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2.23 इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो स्क्वायर रूट की एक अलग सी क्लास लगा दूंगा। चलते हैं अगले सवाल पर। देखो 1000 माइनस 0.13 प्लस 3.2। देखो यहाँ पे कितना है, पहले आप क्या करोगे, एडिशन करोगे, 1000 प्लस कितना दे, 3.2, इसको ऐड करने से कितना आएगा, 1003.2 आएगा। इसमें से हमको 1003.2 आया, इसमें से हमको कितना माइनस करना है, 13। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है का मतलब क्या है, जीरो है। 10 में से 3 गया 7, 1 में से 1 0, यहाँ पे 3, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 289 डिवाइडेड बाय 17 बाय 5 इंटू 1 बाय 5 माइनस 6 इजिकल टू 7। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का मतलब क्या है, इसको देखो इसको डिवाइड कर, थोड़ा रुको। देखो इसको पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, तो हम 289 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, उलट हो जाएगा। देखो इंटू 1/5 माइनस एक्स हो जाएगा, 5 कट जाएगा, 17 तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, 17 माइनस एक्स इक्वल टू 7 बचा, तो एक्स क्या निकलेगा, 10 निकल जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो ये सॉल्यूशन भी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखते हैं हमारे अगले सवाल पर, 5 to the power 4 डिवाइडेड बाय 25 to the power 2। देखो डिवाइड करने का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना। देखो 5 to the power 4 मल्टीप्लाई 25 रो स्क्वायर लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 to the power 2, तो कितना हुआ,
5 टू द पावर 4 इंटू 1 बाई 5 टू द पावर 4, ये कट गया तो कितना बचा 1, इसका सही आंसर है। इसका सॉल्यूशन देख लो, यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिखो। नेक्स्ट देखते हैं कॉस 60 का वैल्यू कितना है, आप ये आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट द कॉम्प्लीमेंटरी एंगल ऑफ 65 डिग्री इज, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल का मतलब क्या है, दोनों एंगल को एडिशन करने पे कितना आएगा 90 आना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा कितना है 65 है, तो किसको ऐड करने से 90 आएगा, 25 को ऐड करने से 90 आएगा, तो इसका सही आंसर 25 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज द वैल्यू ऑफ, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है, सब पे इसका बाहु समान है, तो यहाँ पे देखो कितना डिग्री पे आएगा 60 डिग्री पे आएगा, इक्विलेटरल डिग्री पे 60 डिग्री वैल्यू आता है। नेक्स्ट देखते हैं 15% ऑफ 180 दिया हुआ है, 15% ऑफ 180 इसका मतलब 15% का मतलब क्या होता है 10/100, ऑफ का मतलब गुना करना, 180 जीरो जीरो कट गया, 5 3 15 5 2 10 2 9 18 तो कितना हुआ 3 9 20 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4x-3 इज इक्वल टू 61 देन x इज इक्वल टू कहते हुए 4x-3 इज इक्वल टू 61 तो 4x कितना हो जाएगा 61, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64, तो x कितना हो जाएगा 64/4, 4 1 4 4 6 24 कितना आ गया 16 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 159×22×453×35 विल बी, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा प्रोडक्ट करने से मल्टीप्लाई करने से, देखो सबका लास्ट डिजिट देखो, यहाँ पे लास्ट डिजिट कितना है 9, यहाँ पे 2, 9 2 18 कितना आया 8, 8 से 3 को मल्टीप्लाई करो, 8 3 24 लास्ट डिजिट क्या आया 4, 4 से 5 को मल्टीप्लाई करो कितना आया 20, 20 का लास्ट डिजिट कितना है 0, तो इसका सही आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ए पाथ हुए 2 meters वाइड रन्स आउटसाइड ए रेक्टेंगुलर लॉन, द लॉन इज 24 meters लॉन्ग एंड 16 meters ब्रॉड, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ, यहाँ पे आपको क्या दिया है देखो ये पाथ हुए है वो एक रेक्टेंगुलर लॉन है, ठीक है आपका रेक्टेंगुलर लॉन है, यहाँ पे 2 meters बढ़ेगा, यहाँ पे भी 2 meters, यहाँ पे भी 2 meters बढ़ेगा, लॉन इज 24 meters लॉन्ग, यहाँ पे 24 लॉन्ग है, यहाँ पे 16 meters है, तो यहाँ पे जब हमारा 2 meters बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से 2 यहाँ से 2 देखो देखो बढ़ा कहाँ से, यहाँ से 2 बढ़ा, यहाँ से भी 2 बढ़ा, तो कितना हुआ 24 + 4 कितना हुआ 28, यहाँ पे देखो वाइड पे 16 था, यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ पे भी 2 बढ़ा, 16 + 4 = 20, तो देखो हमको है पूछा है एरिया ऑफ द पाथ कितना होगा, हम जब भी एफ जी एच का एरिया निकाल लेंगे और उससे ए बी सी डी का एरिया माइनस कर देंगे तो उसी पाथवे का हम एरिया निकाल सकते हैं, तो हमारा एफ जी एच का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रॉड, यहाँ पे क्या है 28×20 - अंदर का
24 इंटू 16, तो यहाँ पे करने से क्या आ गया 176 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे आंसर आपका आ गया। इसी तरह आप सभी आंसर कीजिए। देखते हैं अगले सवाल। द फॉर्मूला टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सभी का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2πr होल इंटू आर प्लस एच। 2πr, r का मतलब क्या है रेडियस, एच का मतलब है हाइट। तो इसी सेशन में आपके जो भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं अगले पे आपको समझा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।